सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर एवेंजर एंड गेम फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत इन्फिनिटी वॉर के बाद से होती है, जब थेनोस के स्नेप की वजह से दुनिया की आधी आबादी गायब होने लग गई थी। क्लिंट बार्टन अपनी बेटी लायला को तीरंदाजी करना सिखा रहा होता है और उसकी वाइफ लोरा अपने दो बेटों के साथ पिकनिक की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी क्लिंट को छोड़कर उसकी पूरी स्नेप की वजह से गायब हो जाती है, जिससे क्लिंट काफी परेशान होता है। वही टोनी नेबुला के साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप में फंसा होता है, क्योंकि उन्हें छोड़कर सभी स्नेप में गायब हो गए थे, जिससे उन्होंने शिप में टाइटन ग्रे से उड़ान भरी, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से वो स्पेस में फंस गए थे और उन्हें अब स्पेस में 22 दिन गुजर चुके थे, जिससे अब उनके पास ना तो खाना बचा था ना ही पानी। इसीलिए टोनी अपनी मंगेतर पेपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब जिंदा नहीं बचेगा और अब उनके पास ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और उस शिप को अर्थ पर एवेंजर कंपाउंड में ले आती है। टोनी कैप्टन को बताता है कि मैं थेनोस को रोक नहीं पाया, जिससे स्पाइडरमैन और बाकी सभी गायब हो गए। तो कैप्टन भी उसे कहता है कि हमने भी बहुत सारे लोगों को खोया है। तभी पेपर टोनी के पास आती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। टोनी की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसे इतने दिनों से सही पोषण नहीं मिला था, जिससे उसका इलाज किया जाता है। टोनी और कैप्टन मार्वल को रोडी और बाकी सभी बताते हैं कि आज से 23 दिन पहले थेनोस धरती पर आया था और उसने पूरी दुनिया की आधी आबादी को मिटा दिया, जिससे सभी सरकारें बिखर गई और सरकारी अफसर जनगणना कर रहे हैं। स्टीव टोनी को बताता है कि हम 3 दिनों से थेनोस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। टोनी कैप्टन पर गुस्सा करता है कि मुझे उस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अर्थ के ऊपर एक सॉलिड कवच बनाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। टोनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है, इसीलिए ब्रूस उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो ठीक से आराम कर पाए। कैप्टन मार्वल वहाँ से थेनोस को मारने के लिए निकलने लगती है तो नताशा उसे कहती है कि हम यहाँ मिलकर काम करते हैं और क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है। तो केरल उसे कहती है कि मैं उसका पता लगा लूंगी। नेबुला उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बाप थेनोस कहाँ है और उन्हें बताती है कि थेनोस ने मुझे कई साल जोड़ तोड़ के बनाने में लगाए, जिससे मैं हर बार उससे पूछती कि हम प्लान कामयाब होने के बाद कहाँ जाएंगे, और वो मुझे हर बार एक ही बात कहता कि हम अपने बगीचे में जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो बगीचा कहाँ है। तो रॉकेट उन्हें बताता है कि 23 दिन पहले जब थेनोस ने चुटकी बजाई थी, जिससे एक बहुत बड़ा झटका लगा जैसे आकाश गंगा में सुनामी आ गई हो, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा फिर से प्लेनेट 0259 पर हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि थेनोस वही है। तो कैप्टन मार्वल उन्हें कहती है कि मणि अभी भी उसके पास है, इसीलिए हम उसे छीन लेंगे और उसकी शक्ति से सभी को वापस ले आएंगे। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बात की यह गारंटी है कि पिछली बार जो अंजाम हुआ था वो इस बार नहीं होगा। केरल उसे कहती है कि पिछली बार मैं यहाँ नहीं थी, इसीलिए तुम उसे रोक नहीं पाए। तो रोडी उसे कहता है कि हम सभी सुपर हीरो है और अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम पिछली बार कहाँ गई थी। तो केरल उसे कहती है कि ब्रह्मांड में और भी प्लेनेट है। तो थोर उसे डराने के लिए अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वहाँ बुला लेता है, लेकिन इससे केरल को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे थोर समझ जाता है कि उसमें बहुत पावर है। फिर वो सभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप लेकर उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। वही थेनोस अपने गार्डन में होता है, जहाँ अपने लिए खाना पका रहा होता है। तभी कैप्टन मार्वल के साथ सभी सुपर हीरो उस पर हमला कर देते हैं। थोर थेनोस का गोल्डलेट निकालने के लिए उसका हाथ ही काट देता है, लेकिन उसमें एक भी अनंत मणि नहीं होती। स्टीव थेनोस से इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पूछता है तो थेनोस उसे कहता है कि उन अनंत मणियों का काम सिर्फ सृष्टि का संतुलन बनाना था और उसके बाद उनका कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हीं मणियों की शक्ति से उन अनंत मणियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे 2 दिन पहले वो खतरनाक विस्फोट हुआ था जिसमें मैं भी अधमरा हो गया। इससे थोर को बहुत गुस्सा आता है और उसका सर दर्द से अलग कर देता है। सभी काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन अनंत मणियों से आधी आबादी को वापस जिंदा कर सकते थे, लेकिन अब उनकी उम्मीद भी टूट चुकी थी। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी बची हुई आधी आबादी अपने परिवार और लोगों के कोने के गम से उबर नहीं पाई थी, क्योंकि अपनों के जाने की वजह से उनकी जिंदगी अकेलेपन में गुजर रही थी। स्टीव अपने कुछ साथियों को हिम्मत देकर बताता है कि मैंने भी अपना प्यार खोया है, क्योंकि मैं 70 साल तक बर्फ में जमा रहा और जब मैं वापस लौटा तो जा चुकी थी। वही फिर हमें सैन फ्रांसिस्को में
सेल्फ स्टोर नाम की एक कंपनी में स्कॉट के लॉकर को दिखाया जाता है, क्योंकि बिलीव में गायब हुए सभी लोगों के सामानों को वहाँ रखा हुआ था। वह एक चूहे की वजह से क्वांटम स्प्लाइसर मशीन ऑन हो जाती है, जिससे स्कॉट क्वांटम फील्ड से बाहर आ जाता है। वो सीसीटीवी की मदद से गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे गार्ड उसे लॉकर से बाहर निकाल देता है। मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि पूरे शहर को क्या हुआ है। फिर वो वॉल ऑफ द वेनिश नाम की जगह पर पहुंचता है, जहां सैन फ्रांसिस्को के लोगों के नाम वॉल पर लिखे होते हैं जो स्नेप में गायब हो गए थे। जहां स्कॉट को खुद का नाम भी दिखाई देता है, लेकिन वहां उसकी बेटी का नाम नहीं होता, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। इसीलिए उसे घर पर मिलने जाता है। केसी अपने डियर को देखकर बहुत खुश होती है। स्कॉट उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, जिससे वो खुश होते हैं। वही हमें एवेंजर्स कंपाउंड में दिखाया जाता है कि नताशा पूरी टीम को कमांड दे रही होती है, और रोडी उसे हाल ही में बार्टन द्वारा किए गए कार्टेल कार्नेज के बारे में बताता है, जिससे नताशा दुखी होती है क्योंकि उसका साथी बार्टन बुरे काम कर रहा था। तभी स्कॉट भी वहाँ दरवाजे के बाहर आ जाता है। कैप्टन और नताशा उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। स्कॉट उन्हें बताता है कि थानोस के चुटकी बजाने से पहले मैं क्वांटम रेम में था। क्वांटम रेम दरअसल एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है, जहाँ घुसने के लिए आपको बहुत छोटा होना पड़ता है, और होप मुझे वहाँ से बाहर निकालने वाली थी, लेकिन तभी थानोस के स्नेप की वजह से होप धूल बनकर गायब हो गई और मैं वहीं फंसा रहा। लेकिन मेरे लिए वो 5-7 घंटों के बराबर थे, क्योंकि क्वांटम रेम के नियम हमारी दुनिया से अलग है। इसलिए मुझे इसे एक आइडिया आया कि अगर हम क्वांटम रेम में रास्ते ढूंढ सके, तो उससे हम समय में पीछे जाकर थानोस से पहले वो इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर सकते हैं, जिससे हम भी चुटकी बजाकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। लेकिन उन्हें क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि वो टाइम मशीन कैसे बनाएंगे, और वो टोनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही हमें टोनी को दिखाया जाता है, जिसकी अब एक बेटी होती है, क्योंकि पेपर और टोनी ने अब शादी कर ली थी। टोनी अपनी बेटी मॉर्गन के साथ खेल रहा होता है। तभी स्टीव नताशा और स्कॉट के साथ वहाँ जाता है, और वो टोनी को अपने आइडिया के बारे में बताते हैं, जिन्हें स्कॉट ने टाइम डकैती नाम दिया था। लेकिन टोनी उनकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि अब अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था, और उसे डर था कि वो इस बार थानोस से लड़ाई में अपने परिवार को भी खो सकता है। स्टीव उसे कहता है कि हमारे पास आखिरी मौका है, जिससे हम सब सही कर सकते हैं। तो टोनी उसे कहता है कि मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बेटी मेरी आखिरी उम्मीद है। ये कहकर अंदर चला जाता है, जिससे कैप्टन और बाकी सब ब्रूस बैनर के पास आते हैं, जहाँ स्कॉट ब्रूस और हल्क का मिक्स रूप देखकर बहुत हैरान होता है और उससे इस बारे में पूछता है। तो ब्रूस उसे बताता है कि जब 5 पहले थानोस ने सभी की बैंड बजाई थी, तो उस वक्त मुझे हल्क की जरूरत थी, लेकिन वो बाहर नहीं आया, जिससे मैं समझ गया कि हल्क मेरा दर्द नहीं बल्कि दवा है। इसीलिए मैंने 18 लेब में काम किया, जिससे ही मैं बैनर के दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर पाया। कैप्टन उसे टाइम डकैती के बारे में बताता है, तो हल्क उसे कहता है कि क्वेश्चन मेरे कोर्स के बाहर है। तो नताशा उसे कहती है कि हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हल्क और बैनर एक हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। वही टोनी घर में बर्तन साफ कर रहा होता है कि तभी उसे पीटर और अपनी तस्वीर दिखाई देती है, जिससे टोनी पीटर को बचाने के लिए टाइम मशीन बनाने के काम में लग जाता है। टोनी एक मोबियस आकार की पट्टी के आधार पर एक समय स्थान GPS मॉडल बना लेता है, जिसमें क्वांटम फील्ड में जाकर टाइम कोड के जरिए किसी भी समय में टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। इससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन यह सब करते हुए उसकी बेटी भी देख लेती है। इसीलिए टोनी उसे पेपर को कुछ न बताने के लिए आइसक्रीम खिलाता है, और एक स्टूपिड स्टोरी सुनाकर उसे सुना देता है। फिर वो पेपर को टाइम मशीन के बारे में बताता है, तो पेपर इससे काफी परेशान और डर जाती है। तो टोनी उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो यही रुक सकता हूँ, और मुझे किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेपर उसे कहती है कि मैं तुम्हें कई बार रोक चुकी हूँ, लेकिन मैं हर बार नाकाम रही, और उसे टाइम ट्रेवल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह स्कॉट और बाकी सभी ब्रूस के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए स्कॉट की वैन में बने क्वांटम टनल से टाइम डकैती टेस्ट शुरू कर देते हैं, जिससे ब्रूस स्कॉट को टाइम में पीछे भेजता है, और जब वो उसे 3 बाद वापस लाता है, तो समय स्कॉट के आर पार निकलने की वजह से वो कभी बच्चे के रूप में वापस आता है, तो कभी बूढ़े स्कॉट के रूप में, जिससे उन्हें पावर कट करके प्रेजेंट के स्कॉट को वापस लाना पड़ता है। सभी परेशान होते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट फेल हो चुका था। स्टीव उदास हुआ बाहर आ जाता है। तभी टोनी अपना बनाया हुआ GPS लेकर वहाँ जाता है, और स्टीव को बताता है कि मुझे पता है कि इसको टाइम में आर पार नहीं जा पाया, बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया।
इसीलिए मैंने टाइम ट्रेवल करने का GPS बनाया है जिससे हम इन्फिनिटी स्टोन हासिल करके खोए हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि अभी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए और हो सके तो हमें भी जिंदा लौटना है। फिर टोनी उसे अपनी शील्ड देकर कहता है कि हमें अपने मिशन के लिए पूरी टीम की जरूरत होगी। तो स्टीव उसे बताता है कि हम अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेबुला रॉकेट और रोडी भी वहाँ जाते हैं और फिर हल्क और रॉकेट मिलकर थोर को लेने के लिए न्यू एस्गार्ड की तरफ निकल जाते हैं। न्यू एस्गार्ड में सभी बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वहाँ उन्हें वल्करी दिखाई देती है जो उन्हें बताती है कि थोर तुमसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमसे महीनों में एक बार मिलता है जब उसकी बियर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करने के लिए थोर के घर में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत बदबू आती है। उन्हें वहाँ थोर दिखाई देता है जो तेनोस से हारने की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था जिससे वो मोटा और शराबी बन गया था। वो हल्क और रॉकेट को देखकर खुश होता है और उन्हें मिक और कॉक से मिलवाता है जो उसके साथ वहाँ गेम खेल रहे थे। हल्क थोर को बताता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमें एक मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का। लेकिन थोर तेनोस का नाम सुनने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। तो ब्रूस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें उसे डर लगता है। तो थोर उसे कहता है कि मुझे उसे डर नहीं लगता, मैंने उसे मारा था, मगर अब हम जैसे है वैसे ठीक है। तो हल्क उसे कहता है कि हमें दूसरा मौका मिला है जिससे हम सभी लोगों को वापस ला सकते हैं। तो थोर भी मान जाता है। वही हमें क्लिंट बार्टन यानी कि होकाई को दिखाया जाता है जो टोक्यो में स्नेप से बच गए क्रिमिनल को मार रहा होता है क्योंकि उसका मानना था कि अच्छे लोगों की जगह स्नेप में इन बुरे लोगों को मरना चाहिए था जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए वो याकूब के क्रिमिनल का नरसंहार कर रहा होता है। नताशा भी वहाँ पहुँच जाती है। वो उसे कहती है कि इन्हें मारने से तुम्हारी फैमिली वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें एक उम्मीद नजर आई है। और उसे एवेंजर कंपाउंड में ले आती है जहाँ टोनी और बाकी एवेंजर ने मिलकर क्वांटम टनल बना ली थी। इसको टाइम ट्रेवल टेस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है लेकिन उनके पास पिम पार्टिकल बहुत कम थे। पिम पार्टिकल वही होते हैं जिनसे अपने आकार को बहुत छोटा करके क्वांटम फील्ड में घुसा जा सकता था जिससे सभी एवेंजर क्वांटम फील्ड में जाकर टाइम ट्रेवल कर सकते थे। और उनके पास सिर्फ इतने पिम पार्टिकल होते हैं कि वो एक बार टाइम ट्रेवल करके वापस आ सकते थे, मगर स्कॉट के पास दो पिम पार्टिकल एक्स्ट्रा होते हैं। इसलिए वो टाइम ट्रेवल टेस्ट करने लगता है लेकिन घबराहट की वजह से उसका फर्स्ट टेस्ट गलती की वजह से फेल हो जाता है जिससे बार्टन उसे कहता है कि मैं कर सकता हूँ। और वो बहुत छोटा होकर क्वांटम टनल में जाकर GPS की मदद से पुराने टाइम में पहुँच जाता है जहाँ उसके वाइफ और बच्चे जिंदा थे। इसीलिए अपनी बेटी लायला को आवाज लगाता है लेकिन उतने में उसके वापस आने का टाइम हो जाता है जिससे वापस एवेंजर कंपाउंड में आ जाता है। और वो अपने साथ बेसबॉल मिट को भी ले आता है जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि ये टाइम मशीन सच में काम कर रही है। इससे सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे। बस अब उन्हें जानना था कि उन्हें अनंत मणि कहाँ मिलेगी और उन्हें किस टाइम पर उन्हें लेने जाना है। इसीलिए वो टाइम डकैती की प्लानिंग करने लग जाते हैं। वो अपनी तीन टीम बनाते हैं जिनमें से एक टीम न्यूयॉर्क में 2012 के वक्त में जाएगी क्योंकि उस वक्त स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन और टाइम स्टोन न्यूयॉर्क में थे। और दूसरी टीम 2013 वाले समय में एस्गार्ड जाने का फैसला करती है क्योंकि उस वक्त ही एस्गार्ड में रियलिटी स्टोन यानी कि इतर था। और तीसरी टीम 2014 के समय में मोराग और वोरमिर जाने का फैसला करती है क्योंकि वही उन्हें पावर स्टोन और सोल स्टोन मिलेगा। फिर वो सभी टाइम ट्रेवल सूट पहनकर रेडियो जाते हैं। होकाई अपने साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप को भी ले लेता है क्योंकि उसकी टीम को वोरमिर और मोराग दो अलग अलग जगह पर जाना था। फिर वो सभी पिम पार्टिकल्स की मदद से छोटे होकर क्वांटम फील्ड से गुजरते हुए GPS की मदद से अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पहली टीम जिसमें स्कॉट, ब्रूस, टोनी और स्टीव शामिल होते हैं वो न्यूयॉर्क में 2012 के चितोरी हमले के वक्त में पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क पहुंचते ही ब्रूस टाइम स्टोन लेने के लिए न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में पहुंचता है जहां उसे एशियन वन यानी कि गुरुमा दिखाई देती है जिनसे ब्रूस कहता है कि मैं यहां डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहा हूं। तो गुरुमा उसे कहती है कि तुम 5 साल पहले आ गए हो क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी ऑपरेशन कर रहे हैं और 2017 में इस पवित्र स्थल के रक्षक बनेंगे, मगर तुम यहाँ अभी क्या लेने आए हो। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि मुझे टाइम स्टोन चाहिए जो आधा मातों की आंख में है। लेकिन गुरुमा उसे टाइम स्टोन देने से मना कर देती है। तो ब्रूस उनसे वो मणि छीनने लगता है तो गुरुमा अपनी पावर से उसकी आत्मा और शरीर को अलग कर देती है। वही स्टार टावर में स्कॉट और टोनी टेसरेक्ट यानी की स्पेस स्टोन चुराने के लिए पुराने टोनी का हार्ट फेल कर देते हैं जिससे फ्यूचर वाला टोनी टेसरेक्ट प्राप्त कर लेता है। लेकिन हल्क की
गलती की वजह से टेसरेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है, जिससे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और उनका प्लान चौपट हो जाता है। वही शील्ड के बेस में हाइड्रा के गुंडों से फ्यूचर का स्टीव लोकी की छड़ी को हासिल करने के लिए उनके साथ लिफ्ट में चला जाता है, क्योंकि उस छड़ी के नील रत्न के अंदर ही माइंड स्टोन था। स्टीव हाइड्रा के गुंडों से झूठ कहता है कि वो हाइड्रा के साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसे छड़ी दे देते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से निकलता है तो उसका सामना 2012 के स्टीव से होता है, क्योंकि उसे लगता था कि फ्यूचर का स्टीव दरअसल लोकी है, जो टेसरेक्ट की पावर से गायब होकर वहाँ गया होगा, जिससे उनके बीच फाइट होने लग जाती है। लेकिन फ्यूचर का स्टीव लोकी की छड़ी की मदद से पुराने स्टीव को बेहोश कर देता है। वही गुरुमा ब्रूस से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे समय की रक्षा के लिए मणि दे दूं तो इससे हमारा समय नष्ट हो जाएगा, और उसे वक्त की रेखा दिखाकर बताती है कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन हमारी जिंदगी को वक्त के साथ बहाते हैं, इसीलिए अगर एक इन्फिनिटी स्टोन भी अपनी जगह से हिल गया तो ये भाव बढ़ जाता है, जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में बुराई से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार ही हमारे पास नहीं होगा, जिससे हमारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि हम हमारा मिशन पूरा होने के बाद सभी इन्फिनिटी स्टोन को वापस उसी जगह रख देंगे जहाँ से हमने इसे लिया था, जिससे ऐसा होगा जैसे मणि अपनी जगह से कहीं गई नहीं हो। लेकिन फिर भी गुरुमा उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उनके जिंदा लौटने की संभावना बहुत कम थी। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर आप मणि नहीं दे सकती तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस मणि को थेनोस को क्यों दे दिया था। इससे गुरुमा बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि स्ट्रेंज ने जरूर फ्यूचर देखा होगा और उसने कुछ सोच समझ कर ही वो मणि थेनोस को दी होगी। इसीलिए गुरुमा भी ब्रूस को मणि दे देती है और वो ब्रूस को भी वापस उसकी बॉडी में ले आती है। वह स्टीव छड़ी लेकर स्टार्क बिल्डिंग के पीछे टोनी और स्कॉट के पास आता है, जहाँ टोनी उसे बताता है कि हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि लोकी टेसरेक्ट लेकर भाग गया है। स्कॉट बहुत गुस्सा होने लगता है। वो स्टीव को कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास सिर्फ एक एक बीम पार्टिकल ही बचा है। इससे टोनी को आइडिया आता है कि वो 1970 के समय में जा सकते हैं, जब हैंक ने बीम पार्टिकल इन्वेंट किए थे और उस वक्त शील्ड के पास टेसरेक्ट था। स्टीव को भी आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें एक जगह पर जाकर दोनों चीजें मिल सकती थी, और वो स्कॉट को माइंड स्टोन वाली छड़ी देकर उसे वापस फ्यूचर में जाने को कहता है। और टोनी स्टीव के साथ टाइम जीपीएस में टाइम सेट करके 1970 के समय में न्यू जर्सी के शील्ड बेस पर पहुंच जाते हैं। स्टीव हैंक को प्रैंक कॉल करके उन्हें बाहर भेज देता है और वो चुपके से पिम पार्टिकल प्राप्त कर लेता है। लेकिन सिक्योरिटी को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए उनसे बचते हुए पेगी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पेगी को देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे प्यार करता था और वो दोनों एक नहीं हो पाए थे। वही टोनी बेस में पहुंचकर टेसरेक्ट को हासिल कर लेता है, लेकिन तभी वहां उसके पिता हार्वर्ड स्टार्क आ जाते हैं। तो टोनी उन्हें झूठ कह देता है कि वो MIT से आया हुआ विजिटर है, तो उसे अपने साथ बाहर लेकर आने लगते हैं, जहां रास्ते में उसे बताते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो टोनी उन्हें बताता है कि मेरी भी एक बेटी है। तभी कैप्टन उसे बुला लेता है, क्योंकि उन्हें अब निकलना था। तो टोनी जाते जाते अपने डेट के गले लग जाता है, जिससे हार्वर्ड को भी इससे कुछ अपनापन सा लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनका बेटा था। वही दूसरी टीम यानी कि रॉकेट और थोर एसगार्ड में रियलिटी स्टोन हासिल करने के लिए 2013 के वक्त में जाते हैं, जब रियलिटी स्टोन इतर रूप में जेन की बॉडी में था। थोर को वहाँ अपनी माँ दिखाई देती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था। तो रॉकेट उसे थप्पड़ मारकर होश में लाकर समझाता है कि तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन ऐसे बहुत से लोग है जो वापस आ सकते हैं। और उसे अपना प्लान बताता है कि तुम जेन का ध्यान भटकाओगे, जिससे मैं मौका पाकर उसके शरीर से इतर निकाल लूंगा। लेकिन फिर भी थोर उसकी बात नहीं सुनता और अपनी माँ की तरफ चला जाता है, जिससे रॉकेट अकेला ही इतर निकालने जाता है। थोर अपनी माँ फ्रीगा से छिपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे देख लेती है, क्योंकि उसे जादूगरों ने पाला था, इसीलिए वो सब कुछ देख सकती थी। वो थोर की हालत देखकर समझ जाती है कि फ्यूचर में उसके लिए हालात सही नहीं थे, इसीलिए वो थोर को समझाती है कि तुम्हें अपने रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि दूसरों के रास्ते पर। थोर अपनी माँ को उनकी मौत की खबर देने लगता है कि आज मेलेकित का सैनिक कर्ज उन्हें मारने वाला है, लेकिन फ्रीगा उसे चुप करवा देती है। वही रॉकेट इथर को जेन की बॉडी से हासिल कर लेता है, लेकिन सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो भागता हुआ थोर के पास आ जाता है। थोर अपनी माँ से आखिरी बार मिलता है और निकलने से पहले म्योनियर को बुला लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी म्योनियर के लायक है। फिर वो रॉकेट के साथ वापस से फ्यूचर में निकल जाता है। वही तीसरी टीम मोराक पर पहुंच जाती है, जहां बार्टन और नताशा रोडी और नेबुला को मोराक पर छोड़ देते हैं,
क्योंकि वही पावर स्टोन था और वो खुद वोरमीर पर सोल स्टोन लेने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि नेबुला ने शिप में वोरमीर का लोकेशन सेट कर दिया था। रोडी और नेबुला वही पीटर क्विल के आने का इंतजार करते हैं क्योंकि हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा था कि पीटर पावर स्टोन चुराने के लिए अपने हाईटेक वेपन के साथ मोराक पर आया था। नेबुला रोडी को बताती है कि 2014 में पीटर के अलावा थेनोस, मैं और मेरी बहन भी इस पावर स्टोन के पीछे थे, इसीलिए हमें छिप कर रहना होगा। वही हमें 2014 के समय में थेनोस के शिप को दिखाया जाता है जहाँ थेनोस उस वक्त नेबुला और गमोरा को रोनन के पास भेज रहा होता है क्योंकि रोनन को पावर स्टोन का पता चल गया था। लेकिन तभी नेबुला की मेमोरी फ्यूचर की नेबुला की मेमोरी से उलझ जाती है जिससे थेनोस फ्यूचर की नेबुला और रोडी की बातें सुन लेता है जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता और वो एबोनी माओ से नेबुला की मेमोरी स्कैन करवाता है। एबोनी थेनोस को बताता है कि 2023 की नेबुला इस समय में मोरा ग्रह पर मणि लेने आई है जिससे उसकी मेमोरी अभी की नेबुला की मेमोरी से जुड़ गई है और वो थेनोस को फ्यूचर की नेबुला की कुछ यादें दिखाता है जिसमें सभी एवेंजर अनंत मणि लाने की प्लानिंग कर रहे थे और वो एबोनी को नेबुला की पूरी मेमोरी स्कैन करने का ऑर्डर देता है। वही मोराक पर पीटर जब पावर स्टोन हासिल करने के लिए आता है तो रोडी उसे बेहोश कर देता है और उसके गैजेट की मदद से टेम्पल के दरवाजे को खोल देते हैं। नेबुला ऑर्ब को हासिल कर लेती है जिसमें पावर स्टोन था लेकिन इससे उसका हाथ जल जाता है मगर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि थेनोस ने उसे रोबोट में बदल दिया था। फिर वो वापस फ्यूचर में जाने के लिए बटन दबाने लगते हैं लेकिन तभी मेमोरी स्कैन की वजह से नेबुला के शरीर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है जिससे वो वापस नहीं जा पाती क्योंकि एबोनी माओ थेनोस को उसकी मेमोरी से फ्यूचर दिखा रहा था कि कैसे थेनोस ने अपना मिशन पूरा किया और थोर ने उसे मार दिया था क्योंकि थेनोस ने सभी अनंत मणियों को नष्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी एवेंजर्स ने हार नहीं मानी और वो टाइम ट्रेवल करके वापस सभी इन्फिनिटी स्टोन लेने आए हैं ताकि आधी आबादी को वापस ला सके। थेनोस को इससे गुस्सा आता है एबोनी ये देखकर कि नेबुला ने उसके साथ विश्वासघात किया इसीलिए उसे मारने लगता है तो नेबुला थेनोस को कहती है कि वो मैं नहीं हूँ और मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती तो थेनोस उसे एक मौका देता है। वही फ्यूचर की नेबुला भी इस शॉर्ट सर्किट से समझ जाती है कि थेनोस को सब पता चल गया है इसीलिए वो अपनी शिप से नताशा और होकाई से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। तभी थेनोस का शिप वहाँ पहुँच कर नेबुला के पूरे शिप को उठा लेता है। पुरानी नेबुला फ्यूचर में जाने के लिए फ्यूचर नेबुला से पिम पार्टिकल GPS और उसकी पूरी चीजों को खुद पहन लेती है जिससे वो बिल्कुल फ्यूचर नेबुला की तरह नजर आ रही थी। वो थेनोस के पास जाती है और उसे फ्यूचर में जाने की परमिशन मांगती है ताकि वो थेनोस के लिए फ्यूचर के दरवाजे खोल सके। वही बार्टन और नताशा वोरमीर पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रेड स्कल मिलता है जो उन्हें बताता है कि तुम्हें सोल स्टोन को प्राप्त करने के लिए अपने किसी प्रियजन का बलिदान करना होगा मगर बार्टन को ये सब मजाक लगता है। लेकिन नताशा को याद आता है कि नेबुला ने बताया था कि थेनोस जब सोल स्टोन लेकर लौटा था तो उसके साथ गमोरा वापस नहीं लौटी जिससे वो समझ जाती है कि थेनोस ने उसकी बलि दे दी होगी जिससे अब नताशा और बार्टन फैसला करने लगते हैं कि उन दोनों में से कौन अपनी बलि देगा। बार्टन नताशा को कहता है कि मैंने कई लोगों का नरसंहार किया है इसीलिए मुझे ये काम करना होगा मगर नताशा उसे कहती है कि तुम ये नहीं करोगे क्योंकि मैं लोगों को इसे नहीं परखती और वो दोनों उस चोटी से नीचे गिरने के लिए लड़ने लग जाते हैं मगर नताशा जीत जाती है क्योंकि वो बार्टन को उसे लटका देती है जिससे नताशा नीचे गिर जाती है। इससे बार्टन बहुत दुखी हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो बाहर पानी में सोल स्टोन के साथ होता है लेकिन वो नताशा के खोने की वजह से बहुत दुखी था। फिर वो वापस टाइम ट्रेवल GPS से अपने रियल टाइम में आ जाता है जिससे बाकी सभी भी सेम टाइम में बाहर आ जाते हैं क्योंकि क्वांटम फील्ड में टाइम अलग हिसाब से चलता था जिससे उनका पास्ट में बिताया गया समय प्रेजेंट के सिर्फ 5 सेकंड के बराबर थे मगर इविल नेबुला वहाँ आ चुकी होती है जिसे थेनोस ने भेजा था लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलता। बार्टन काफी दुखी होता है और सभी समझ जाते हैं कि नताशा अब नहीं रही। वो सभी नताशा की मौत की वजह से काफी दुखी होते हैं। थोर ने कहता है कि हम नताशा को वापस ला सकते हैं तो बार्टन उसे कहता है कि रेड स्कल ने कहा था कि सोल स्टोन के लिए दी गई जान को वापस नहीं लौटाया जा सकता जिससे अब सभी डिसाइड करते हैं कि वो नताशा की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और टोनी एक नया गोटलेट बनाता है जो सभी अनंत मणियों की पावर को झेल सकता था जिसमें टोनी सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन को लोड कर देता है। थोर सभी से कहता है कि मैं बिलीव करना चाहता हूँ लेकिन हल्क मना करते हुए उसे कहता है कि इससे निकलने वाली ऊर्जा गामा रेडिएशन है और मैं इससे ही बना हूँ।
हूँ, इसीलिए मैं ही इस पावर को सहन कर सकता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि थेनोस इससे बुरी तरीके से अधमरा हो गया था। ब्रूस गॉर्नेट पहन लेता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर चुटकी बजाता है जिससे ब्रह्मांड की आधी आबादी वापस लौट आती है। वही विल नेबुला थेनोस के लिए फ्यूचर में आने के क्वांटम फील्ड के द्वार को खोल देती है, जिससे थेनोस अपने शिप के साथ क्वांटम टनल को नष्ट करते हुए बाहर आ जाता है। थेनोस क्वांटम फील्ड से यहाँ इसलिए आ पाया था क्योंकि एबोनी माओ ने पिम पार्टिकल सैंपल से बहुत सारे पिम पार्टिकल बना लिए थे। वही बार्टन को उसकी वाइफ लोरा का कॉल आता है क्योंकि वो वापस लौट आई थी, लेकिन तभी थेनोस अपनी शिप से एवेंजर कंपाउंड पर हमला करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी एवेंजर इधर उधर मलबे के नीचे दब जाते हैं। रोडी रॉकेट को मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन वहाँ पानी भरना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए एंटमैन को मदद के लिए बुलाते हैं, जिससे एंटमैन उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वही ओकाई की भी आँख खुल जाती है जो नीचे टनल में आ गया था। उसे वहाँ अनंत मणि वाला गोटलेट मिल जाता है, लेकिन तभी थेनोस के आउटराइडर्स क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे ओकाई गोटलेट को बचाकर भागने लगता है। थेनोस अपनी शिप से बाहर आता है तो नेबुला उसके पास आती है और थेनोस उसके काम से खुश हुआ उसे अनंत मणि ढूंढ कर लाने के लिए भेज देता है। गमोरा भी ये सब देख रही होती है, इसीलिए फ्यूचर वाली गमोरा के पास जाकर उसे फ्यूचर के बारे में पूछती है, तो रियल नेबुला उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार मारना चाहा, लेकिन फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई और मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया। तो गमोरा को भी एहसास हो जाता है कि वो थेनोस को रोक सकती है, क्योंकि थेनोस ने गमोरा के प्लेनेट को भी बर्बाद किया था, इसीलिए नेबुला के साथ हो जाती है। वही टोनी स्टीव को वॉश में लाता है और थोर म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। थेनोस उन्हें कहता है कि मुझे लगता था कि अगर आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक तुम जैसे बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। इसीलिए अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड को ही मिटा दूंगा, और फिर तुमने मेरे लिए जो सारे इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा की है उनसे एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा, जहाँ के लोगों को कुछ खोने का नहीं बल्कि सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा, और वो मेरी एक गोट की तरह पूजा करेंगे। तो स्टीव से कहता कि तुम एक हैवान हो, और वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। वही बार्टन अभी भी इन्फिनिटी गोटलेट लेकर भाग रहा होता है और वो एक एक करके सभी आउटराइडर्स को मार देता है। तभी विल नेबुला भी वहाँ आ जाती है, मगर बार्टन उसे असली नेबुला समझ कर गोटलेट दे देता है, लेकिन वो बार्टन को ही मारने लगती है। लेकिन तभी गमोरा और फ्यूचर नेबुला वहाँ आ जाती है, जो उसे कहती है कि तुम खुद को बदल सकती हो, और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और वो गमोरा को मारने लगती है, लेकिन फ्यूचर नेबुला उसे शूट करके खत्म कर देती है। वही टोनी, थोर और स्टीव थेनोस से लड़ रहे होते हैं, लेकिन थेनोस बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए टोनी को दूर गिराकर बेहोश कर देता है। वो थोर को बुरी तरीके से मारने लग जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर को उसके सीने में घोंपने लगता है, लेकिन तभी स्टीव म्योनिर को उठा लेता है और थेनोस पर हमला करके थोर की जान बचा लेता है। अब स्टीव और थेनोस के बीच इपिक फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ शुरुआत में तो स्टीव थेनोस को बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन अगले ही पल थेनोस स्टीव पर भारी पड़ने लग जाता है। वो स्टीव की शील्ड को तोड़कर उसे इंसर्ट करके दूर फेंक देता है। फिर थेनोस अपनी चितोरी और ब्लैक आर्डर सेना को भी वहाँ बुला लेता है ताकि वो धरती को नष्ट कर सके। ये देखकर स्टीव हिम्मत करके वापस खड़ा हो जाता है। तभी वोंग पोर्टल की मदद से सभी सुपर हीरो के साथ वहाँ आ जाते हैं, जिसमें एस्गार्ड वासी वकांडा और कामरताज के योद्धा भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो सब हल्क के चुटकी बजाने की वजह से वापस लौट आए थे, जिससे अब उनकी सेना भी काफी बड़ी हो जाती है। स्ट्रेंज भी टाइटन ग्रह से स्पाइडरमैन और बाकी सभी साथियों के साथ वहाँ जाते हैं। एंटमैन भी अपने बड़े आकार के साथ रोडी रॉकेट और हल्क को निकाल कर बाहर ले आता है, जिससे अब थेनोस और एवेंजर्स की सेना के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। टोनी पीटर से मिलकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। वही बार्टन स्टीव से पूछता है कि हमें इन मणियों का क्या करना है, तो ब्रूस बार्टन से कहता है कि हमें सभी अनंत मणियों को वापस उनके समय में रखकर आना होगा, वरना एक नई समय रेखा स्टार्ट हो जाएगी। तो टोनियो ने कहता है कि हम उन्हें वापस नहीं ले जा सकते क्योंकि थेनोस ने क्वांटम टनल उड़ा दिया है। तो एंटमैन उन्हें कहता है कि हमारे पास एक और टाइम मशीन है, और वो उन्हें अपनी क्वांटम टनल वाली वेन दिखाता है। तो टोनियो से वेन स्टार्ट करने को कहता है। वही थेनोस के सैनिक बार्टन से इन्फिनिटी स्टोन छीनने आने लगते हैं, तो ब्लैक पैंथर बार्टन से गोटलेट लेकर दूर जाने लगता है, लेकिन तभी थेनोस उसे रोक लेता है। मगर तभी वहाँ पर वांडा आ जाती है, जो बहुत गुस्से में थेनोस पर हमला करने लग जाती है।
आती है क्योंकि थेनोस ने विजन को मार दिया था। ये देखकर ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एबोनी माओ अपनी पावर से उसे रोकने लग जाता है। तो स्पाइडरमैन गॉन्टलेट लेकर वहाँ से भागने लगता है। वांडा अपनी पावर से थेनोस को बुरी तरीके से जकड़ने लग जाती है, जिससे वो अपने सिपाहियों को शिप से आग बरसाने के ऑर्डर देता है, जिससे थेनोस की सेना के साथ साथ एवेंजर की सेना पर भी हमले होने लग जाते हैं। और एक मिसाइल की वजह से पानी का बांध भी टूट जाता है, इसीलिए स्टेन लड़ाई छोड़कर पानी को रोकने लग जाते हैं ताकि शहर में बाढ़ ना आए। तभी थेनोस का शिप आसमान में फायर करने लगता है क्योंकि कैप्टन मार्वल वहाँ पर आ गई थी, जो अपनी पावर से थेनोस के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। वही एंटमैन सक्सेसफुली क्वांटम टनल को ऑन कर देता है, जिससे कैप्टन मार्वल पीटर से गॉन्टलेट लेकर क्वांटम टनल की तरफ बढ़ने लग जाती है, और पेपर वांडा और बाकी सभी मिलकर थेनोस पर हमला करके उसे रोकने लग जाते हैं। लेकिन थेनोस मार्वल को रोकने के लिए अपनी तलवार से क्वांटम टनल को नष्ट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाके की वजह से मार्वल दूर गिर जाती है। टोनी, थोर और स्टीव थेनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेने से रोकने लग जाते हैं, लेकिन थेनोस उन्हें दूर गिराकर बेहोश कर देता है और गॉन्टलेट पहनकर चुटकी बजाने लगता है। लेकिन कैप्टन मार्वल उसे रोक लेती है क्योंकि वो बहुत ताकतवर थी। तो थेनोस पावर स्टोन को अपने दूसरे हाथ में लेकर मार्वल पर जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर स्टेन टोनी की तरफ इशारा करते हैं, जिससे टोनी समझ जाता है कि 14 करोड़ में से सिर्फ एक मौका है जब हम थेनोस को रोक सकते हैं, जिससे अब टोनी थेनोस पर हमला कर देता है और मौका देखकर इन्फिनिटी स्टोन को अपने सूट पर ले लेता है। लेकिन इस बात का पता थेनोस को नहीं चलता, और जब वो स्नैप करता है तो कुछ नहीं होता, और टोनी सभी इन्फिनिटी स्टोन से चुटकी बजाकर थेनोस और उसकी पूरी सेना को धूल बनाकर गायब कर देता है। थेनोस इससे अपनी हार मान लेता है, मगर इससे टोनी बुरी तरीके से इंजर्ट हो चुका था। रोडी पीटर इससे काफी दुखी हो जाते हैं। पेपर पीटर को शांत करती है और टोनी को कहती है कि तुम मेरी और मॉर्गन की चिंता मत करो और अब तुम चैन से सो सकते हो। तभी टोनी अपना दम तोड़ देता है और उसका आर्क रिएक्टर भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ओकाई अपनी फैमिली से वापस मिल जाता है। वही पीटर भी नेट से मिलकर बहुत खुश होता है, और अब सभी को अपनी फैमिली मिल गई थी, जिससे सभी खुश होते हैं। वही पेपर और टोनी के सभी करीबी दोस्त टोनी का होलोग्राम मैसेज देखते हैं, क्योंकि टोनी को पहले ही पता था कि वो जो टाइम डकैती करने जा रहे हैं उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर सभी सुपर हीरो और उनकी फैमिली टोनी के अंतिम संस्कार के मौके पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ टोनी के आर्क रिएक्टर को पास की झील में छोड़कर टोनी को अलविदा कहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि नए एस्गार्ड के बाहर थोर वाल्करी को एस्गार्ड की रानी बना देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो प्रजा को अच्छे से नहीं संभाल सकता और ये काम वाल्करी अच्छे से कर सकती है, और उसकी माँ ने भी उसे यही सलाह दी थी कि उसे खुद की राह पर चलना चाहिए, इसीलिए वो गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वही स्टीव सभी इन्फिनिटी स्टोन और म्यूनियर को वापस रखने के लिए क्वांटम फील्ड से वापस पुराने टाइम में चला जाता है, और जब 5 सेकंड बाद ब्रूस स्टीव को वापस लाने की कोशिश करता है तो वापस नहीं आता, इससे वो बहुत परेशान होते हैं। सीएम को वहाँ एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है, जो असल में कैप्टन अमेरिका ही होता है, क्योंकि वो जब पास्ट में सभी इन्फिनिटी स्टोन को रखने गया था तो उसने वहाँ पेगी के पास ही रुककर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। फिर स्टीव सीएम को अपनी कैप्टन अमेरिका की शील्ड देकर उसे कैप्टन अमेरिका का पद सौंप देता है, और यहीं पर मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप एवेंजर्स की और मूवी देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।